भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने राजिम विधानसभा के केंद्रीय चुनाव कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कर अपने संबोधन में कहा कि आज से पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को घर घर जाकर कमल खिलाने का काम करना है। यहां उपस्थित भीड़ इस बात का प्रमाण दे रही है कि अब बाहरी विधायक अमितेश शुक्ल के जाने का समय आ गया है। इस दौरान अध्यक्ष साव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने हर वर्ग किसान माता बहनी युवा विधवा माता को ठगने का काम किया है। सुनिए, अब अभी अभी जब घर में बिजली के बिल आते ना, मशीन वाले बिजली बिल देते ना, तो अब वो तो भूपेश बघेल कहे बिजली के बिल हाफ, लेकिन बिजली के बिल इसे देख में हाथ में ना ठटाक सी करेंट बात अरे सादा रे देख के बिल आगे मार फेंक नहीं मारा है, मार फेंक नहीं मारा, जोर से बता। अब जिन हमला करेंट मारे है, करेंट दे है, अगर बदला चुकाना है कि नहीं चुकाना है, चुकाना है कि नहीं चुकाना है, अगर बढ़िया नुस्खा बता तो मैं वकील आदमी हूं, अगर बढ़िया नुस्खा बता तो हमला करेंट मारे हस, धोखा दे हस, झूठ बोले हस, तो एक ओकर नुस्खा है, कोनो पता घलाव नहीं चले कि कौन बदला लीजिए, पता नहीं चला है कहां ले का हुई से, तो बदला लेके बढ़िया तरीका आपके हाथ में आवा थे जब मतदान केंद्र में जाहू वोट डाले बर और कमल के बटन ला दबाहू, तो भूपेश बघेल ला ऐसा झटका लगी कि धड़ाम ले कुर्सी ले गिरी कि नहीं गिरी, जोर से बताओ गिरी कि नहीं गिरी। अब कौन बटन दबाई पता चल ही का नहीं चला ना, मोर नुस्खा बढ़िया है कि नहीं, तो ये नुस्खा का उपयोग करी सब जन करहू कि नहीं करहू, करहू कि नहीं करहू, तो मैं यहाँ ले पक्का हो के जाऊं कि रोहित साहू ने जिता के भेजियो, जोर से बताओ जिता के भेजियो, अरे तुम लोग हाथ उठा के बताओ जरा जोर से, बोलो भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, बोलो राजीव लोचन भगवान की, राजीव माता की, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम।